अब देखो मरातबा मोमिनो, जिनको हुई सिफायत, हुआ तिनको दीदार हक का, तीनों देखी वह सायत, तीनों देखी वह सायत। आप श्री महामती जी मोमिनों को आह्वान कर रहे हैं कि आप ब्रह्म प्रियाओं की स्वयं की महिमा को देखिए, जिन्हें मोहम्मद हक की सूरत की सिफायत अर्थात तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ, और इन मोमिनों ने ही परम धाम का दर्शन प्राप्त किया। परम धाम मूल मिलावे की उस घड़ी को देखा। तो जब ब्रह्म प्रियाओं ने मूल मिलावे की उस घड़ी को पहचान लिया, तो उनके दिल से नश्वर माया का जहर उतर गया और उनकी सुरता अखंड परम धाम में पहुंच गई, और उन्होंने धनी हक शिराजी का दर्शन प्राप्त कर लिया। अब ऐसे जो ब्रह्म मुनि हैं, उनका मोह सागर क्या बिगाड़ सकता है? सुख दुख मान अपमान उनके सन्मुख माया की कोई शक्ति काम नहीं करती। और उन मोमिन के मन में भी मोह अज्ञान रूपी शैतान खत्म हो गया है और वो तारतम ज्ञान से निर्मल हो गए हैं। रहा आकार देखन का, वे बैठे नूर के पार, उतरत अर्श से नियामत, भेजत परवर्तिकार। अब इन मोमिनों का शरीर तो संसार में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो देखने मात्र के लिए ही है। उनकी सुरता तो मूल मिलावे में धनी चरणों में है। कुराने पाक में हक शेरा जी इन्हें अपना दोस्त कहते हैं, और इन्हें ही वो इश्क के प्याले पिला रही हैं। और इन्हीं मोमिनों के वास्ते हक शेरा जी कुराने पाक में संकेतों में प्रेम भरे वचन लिख रहे हैं। मोमिनों के सुखों का किस प्रकार वर्णन हो, जिन्हें स्वयं धनी अजमा रहे हैं, और श्री मूल मिलावे में अपनी नजरों के सामने बैठकर संसार रूपी खेल दिखा रहे हैं। इन्हें धनी स्वयं अपने निज घर की पहचान करा के, श्री परम धाम 25 पक्षों की पहचान करा के, अपने स्वरूप की पहचान करके, फिर प्यार से समझाकर घर बुला रहे हैं कि अब श्री परम धाम के अतिरिक्त कहीं और नजर ना करो। ब्रह्म प्रियाओं के सुखों का विचार करें, जिन्हें कुराने पाक में शिरा जी ओलिया कह रहे हैं कि आप ही अर्शे अजीम से इस संसार में आए हो, और यही सभी धर्म ग्रंथों के वारिस हैं, श्री परम धाम के सुखों के वारिस हैं। और इनकी महिमा देखिए, कुरानों में हदीसों में लिखा है कि इन्हीं ब्रह्म प्रियाओं के लिए परम धाम के द्वार खुले हैं, और जिनके ऊपर ये मोमिन कृपा करते हैं उन्हें भव सागर से पार पहुंचा देते हैं। जिनको मेरे करे मोमिन ताको पहुंचावे पार। जैसी बंदगी खुदाई की तैसा नफा इनो का दीदार, तीन ऊपर रहमत भीजत परवरदिगार। प्रीतम पार प्रेम के प्रेम में डूबे, धनी के प्रेम में डूबे, इन ब्रह्म प्रियों के दर्शन खुदा की बंदगी के समान है। इन ब्रह्म प्रियों पर परवरदिगार अपनी रहमत पल पल भेजते हैं। इनका जिक्र स्वयं हक सुभान प्रीतम अक्षरातीत करते हैं, और ये भी धनी के चर्चा स्मरण में डूबे रहते हैं। वे ही तारतम ज्ञान सुनाकर एक बार ब्रह्म पर विश्वास दिलाते हैं। ये मोमिन संसार में रहते हुए भी
अद्वैत की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें ही धनी क्यामत की इस बेला में मूल मिलावे में जागृत करना चाहते हैं। क्यों कहूं सुख मोमिन के इन जिमी बैठ देखत, अर्श की गलियों में फिरे जाकी हक करस सिफत। ये मोमिन इन माया जगत में रहते हुए भी अखंड परम धाम के दर्शन करते हैं, श्री परम धाम की नूरमयी गलियों में विहार करते हैं। बट पीपल की चौकी में धनी संग हिंडोलों में झूलते हैं। फूल बाग की उन सुंदर समा में धनी संग रमन करते हैं। पश्चिम की चौगान में धनी संग अस्वारी के सुख लेते हैं। जमुना जी में झीलना करते हैं। क्यों कहो सुख मोमिन के इन जिमी बैठ देखत, अर्श की गलियों में फिरे जाकी हक करस सिफत। धनी ने इन्हें जागृत बुद्ध दी है, अखंड परम धाम की गुज खिलवत की सारी जानकारी दी है, और इन्हें ही हक ताला ने अपनी तारतम ज्ञान रूपी चाबी दी है। सोचिए, इन्हें ही रूह का खिताब दिया है कि आप परम धाम से अवतरित हुए हो। खासल खास मोमिन कहा है, परमहंस कहा है, चूजन पीपल कहा है, और पांचों दिव्य शक्ति इन्हीं के वास्ते परम धाम से अवतरित हुई है, जिसके द्वारा सारे संसार में उन्होंने पार ब्रह्म की पहचान को जाहिर किया है। इन मोमिनों के वास्ते हकीकत मार्फत के द्वार अक्षरातीत ने खोल दिए हैं। क्यों कहूं सुख मोमिन की हकीकत मार्फत खोले द्वार, रहे सैरक से नजीक इत बैठे पाया दीदार। क्यामत की सातों निशानियां स्पष्ट कर दी हैं। और धनी ने इन्हें सत्य शांति के मार्ग का स्वामी बनाया है, सारे ज्ञान का अधिकार दिया है। वे ही तारतम ज्ञान द्वारा संसार को अखंड मोक्ष की दावत देंगे। क्यों कहूं सुख मोमिन के जाको खावंद किए इस्लाम, यही बख्शे जिनको ई दाखिल होए इस्लाम। इन्हीं की सहायता के लिए धनी ने वसीयत नामे भिजवाए, औरंगजेब को सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाते समय इनके वास्ते ही अक्षरातीत के स्वरूप धाम की साक्षी दी, और इस नश्वर जगत में भी परम धाम के 25 पक्ष जाहिर कर दिए। अपरंपार महिमा मोमिनों की, दुनी जाने ए मोमिन बैठे इनमें इत, आप जैसी जाने इन्हें ए तो हक की जात से पर। दुनिया वाले समझते हैं कि ब्रह्मप्रियों के तन हमारे बीच संसार में ही बैठे हैं, वे उन्हें अपने जैसा समझते हैं, किंतु मोमिन तो हक जात है, पार ब्रह्म के समान सच्चिदानंद स्वरूप है, इनकी महिमा हक के ही समान है। दुनी जाने ए मोमिन बैठे इनमें इत, आप जैसी जाने इन्हें ए तो हक की जात सिफत, ए तो हक की जात सिफत।